तो यार हम है बड़े ही फूडी टाइप के लोग, और अगर बात करें खाने की तो अमृतसर को कैसे भूल सकते हैं। तो अमृतसर के इस टू पार्ट व्लॉग सीरीज में मैं आपको दिखाऊंगा हर वो चीज जिसके लिए अमृतसर जाना जाता है। हम जाएंगे गोल्डन टेम्पल, अमृतसर की गलियां, अमृतसरी कुलचे, साथ ही साथ आपको मिलाऊंगा अपने कुछ दोस्तों से जिनसे मैं मिला था इस ट्रिप के दौरान और कैसे हमने बहुत मस्ती की। वेलकम बैक। अभी हम फिलहाल है अमृतसर में एंड आज सुबह ही मैं और अभिराम अमृतसर आए हैं। एंड अभी फिलहाल चीज ऐसे है कि यार बहुत जोरों की हमें भूख लग रही थी, तो यहाँ पे एक ढाबा है जिसका नाम है केसर का ढाबा, काफी पॉपुलर है, तो हमने सोचा एक एक करके ट्राई किया जाए। तो सबसे पहले यार हम जा रहे हैं केसर का ढाबा में, वहाँ जाके वहाँ का खाना खाते हैं एंड आपको अपडेट करता हूँ वहाँ का खाना कैसे है, इज इट वर्थ द हाइप और नॉट। डेफिनेटली यार मैं प्रे कर रहा हूँ कि बढ़िया हो, क्योंकि यार बहुत जोर की भूख लगी है। तो चलिए यार फटाफट पहले चलते हैं एंड आपको वहाँ का खाना दिखाता हूँ। यार हम हैं यहाँ पे केसर का ढाबा पे एंड हम दो वैरायटी की थाली ऑर्डर करेंगे, लस्सी ऑर्डर करेंगे और देखते हैं और क्या कुछ ले सकते हैं। सारे फूड आइटम्स मैं आपको दिखाता हूँ एंड रिव्यू करेंगे, बताऊँगा आपको कैसा लगा। एक भी आप पराठा थाली कर दीजिए, एक चटपटी चोपड़ी थाली, एक लस्सी कर दीजिए, एक कोल्ड ड्रिंक कर दीजिए, थम्स अप। You're not coming. Why? Literally shame, bro. I can't finish two parathas. What's wrong with me? What's that? So guys, ये था केसर का ढाबा and यार literally मतलब quantity इतनी थी ना, अगर हम तो अगर चार हफ्ते भी भूखे रहे तो एक थाली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे ब्रो। बहुत सही क्वांटिटी थी। अगर आप आ रहे हो आप एक ही थाली ऑर्डर करना, अगर आप दो लोग हो तो ये चीज़ है। खाते खाते हम लिटरली थक गए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ एंड तक। और व्हाट डिड यू लाइक मोर, द दाल और द चना? चना, या सेम विथ मी। यार मुझे भी चना बेटर लगा दाल से। दाल थोड़ा सा मतलब कि हमें आदत है वो थोड़ा सा ज़्यादा बटरी, थोड़ा गाढ़ा दाल खाने की, तो दाल मुझे थोड़ा सा पतला लगा, लेकिन चना बहुत ज़्यादा बढ़िया था एंड रोटी भी बढ़िया थी। लव दिस मैन। हाँ, तो रोटी भी काफ़ी बढ़िया थी एंड पराठा तो भाई ज़बरदस्त था, मतलब कि मैं पूरा दो पराठा भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, तो ये चीज़ था। लेकिन ओवरऑल ऑन बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो डेफिनेटली अगर आप अमृतसर आते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली आना। तो यार खाना पीना तो काफ़ी हो गया, अभी आपको थोड़ा रूम टूर करा देता हूँ। ये गोस्ट ऑफ्स हॉस्टल है, हमने गोस्ट ऑफ्स की वेबसाइट से ही बुकिंग की है एंड यहाँ पे बेसिकली दो तीन वैरायटी के रूम्स है, प्राइवेट रूम भी मिल सकते हैं आपको। ये 12 बेड मिक्स डॉम है, यहाँ पे रहने में कोई इशू नहीं है, बस बेसिकली वॉशरूम के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है सुबह, तो ये हमने बुक नहीं किया। आपको यहाँ पे मैं एक बेड दिखा देता हूँ क्या क्या अम्यूनिटीज़ आपको मिलती है। तो एक छोटा सा पर्सनल पंखा है एंड हुक है, दो कपड़े टांगने के लिए, दो चार्जिंग पॉइंट है, एक स्टडी लैम्प है एंड फ़ोन रखने के लिए एक स्टैंड आपको मिल जाता है। आप 12 बेड लो या 8 बेड लो, 6 बेड लो, बेसिकली अम्यूनिटीज़ आपको सारे सेम ही मिलते हैं। चलिए आपको ले जाके 8 बेड मिक्स डॉम जहाँ पे हमने बुकिंग किया है
वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये है हमारा 8-bed मिक्स डॉम। यहाँ पे आप राइट साइड में जो देख रहे हैं ना, ये लॉकर्स है एंड बचे हुए सारे जो है बेड्स, ये 8 beds आपके इस तरीके से लगाए हुए हैं। एक बेड आपको दिखा देता हूँ कि कभी भी अगर आप आओ तो ये वाले बेड को कभी मत लेना। इसे हम कहते हैं हिमाचल, क्योंकि ऊपर ही अगर आप देखोगे ना एसी लगी हुई है एंड काफ़ी ठंड हो जाती है यार यहाँ पे रात को, तो ये वाला मत लेना। एंड गाइज, ये है हॉस्टल का कॉमन एरिया जहाँ पे आप काफ़ी सारे दोस्त बना सकते हो। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, इन सभी लोगों से मैं आज सुबह ही मिला हूँ। एंड गाइज, अगर आप मेरी तरह एक सोलो ट्रैवलर हो तो कॉमन एरिया में आप बिल्कुल बढ़िया सोशलाइज कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स खेल सकते हो, खा पी सकते हो और पार्टीज भी कर सकते हो, जो हम आज रात को करने वाले हैं। नहीं नहीं, आपको जो मन आप वो बोल सकते हो। ये हमारे शांकी पाजी, शांकी पाजी अपनी बत्तीसी दिखा दो थोड़ी। और मेंढक जैसी आंखें भी नहीं गई। और शांकी पाजी बड़े चिल आदमी है। हेलो। फोटो नहीं ले रहे यार, पार्टीशन म्यूजियम से निकल गए, अंदर में शूटिंग अलाउड नहीं थी, उसकी वजह से कुछ शूट नहीं कर पाया। अभी पता नहीं, शायद थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे फिर कुछ खाने जाते हैं, क्योंकि फिर से हमें लग रही है काफ़ी जोरों की। पार्टीशन म्यूजियम काफ़ी बढ़िया था ऐसे तो। अगर आप, अरे यार मेरे पीछे क्यों यार, लटका दो। नहीं नहीं, मुझे लटका के नहीं, नहीं नहीं, मैं नहीं, वो पाजी वहाँ पे, मैं लोकल नहीं हूँ यार। एंड ऐसे बढ़िया, आप अगर जाओगे आप काफ़ी सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख पाओगे, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर है उस टाइम के और छोटी छोटी चीज़ें लगाई हुई है पाजी, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे लगाई हुई है, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे साथ में शांकी भाई साहब चल रहे हैं। धूप बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिड है, बहुत ह्यूमिड और बहुत धूप ज़्यादा है, तो ये चीज़ है। अभी फिलहाल हम थोड़ी सी शॉपिंग करने जा रहे हैं, फिर कुछ खाने के लिए जाएंगे, तो देखते हैं आगे कहाँ लेके चलते हैं हमें शांकी भाई साहब और अभिराम जी। अरे चलते हैं ना खाने के लिए। लेते हैं थोड़ा सा, ये जो भी पराठा है लच्छा टाइप, थोड़ा सा मक्खन लगा लेते हैं, वहाँ से काटते रहेंगे छोले से। बढ़िया, मेरी मम्मी बेटर बनाती है, वो तो हमेशा ही रहेगा ना पाजी। रहेगा, ये भी मम्मी बेटर बनाती है। बहुत सारी मलाई और मक्खन, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है इसमें। ऐसे पहले फर्स्ट बाइट पे 7.5 आपके, नॉट मोर देन 6। व्हाई? ओवरऑल मजा नहीं आ रहा, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। टेस्ट इतना कुछ इसका बहुत स्ट्रांग आ रहा है, नहीं गर्म मसाले अलग ही अजीब सा टेस्ट है। ओवरऑल पहले बाइट में ठीक लग रहा, नॉट मोर देन 6। शोरूम आओ ट्रायल करने के लिए, खरीदो अजियो से, टाटा क्लिक से, नाइका से, मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, सब जगह घूम लो, यहाँ से वहाँ से लो, पर ट्रायल करने शोरूम का। भाई अपनी वो रंजी वाली शॉट मारना। Oh
यार, तो वो तो अपनी वेरिएशन करेगा ना। भाई मजा आ रहा है ना। हाई स्कोर। तो भाई शंकी भाई कैसा लगा हमने 2500 के गेम खेले? 2500 नहीं यार, हमने 200 रुपए का चॉकलेट जीते, उसके बारे में भी कहो कुछ। चॉकलेट तो रात में पता करेगा पीने के बाद जब। तो यही चीज है, अभी अपन जा रहे हैं वापस से। कहाँ जा रहे हैं? हॉस्टल जा रहे हैं। अभी हम जाएंगे, हाँ हॉस्टल, अभी हम जाएंगे हॉस्टल और फिर देखते हैं क्या करेंगे। सही चीज है। तो गाइज हमारा एक बड़ा मस्त सा ग्रुप बन गया हॉस्टल में। अभी हम सब जा रहे हैं कुलचा लैंड, एंड क्योंकि शांकी पाजी को थोड़ी सी मतलब कुलचा लैंड की थोड़ी सी तलब लगी हुई थी कि कुलचा लैंड ही जाएंगे, तो इसलिए हम कुलचा लैंड जा रहे हैं। एंड बाकी सब लोग आगे निकल गए, आगे जाके आपको दिखाता हूँ। यार बहुत ही सही सीन फिलहाल चल रहा है, आज रात को भी पार्टी करने का बढ़िया मतलब स्कीम चल रहा है। तो चलिए देखते हैं फटाफट कुलचा लैंड जाके क्या है इतना खास कि शांकी पाजी 2 दिन से कुलचा लैंड कर रहे हैं। अरे पाजी थैंक यू सो मच। ठीक है शांकी भाई, लेकिन आप दोनों के कुलचा लैंड लाने के पीछे रीजन, आप 3 दिन से जो तड़प रहे थे क्या है? कुलचा खाते खाते बताए, कुलचा खाते खाते सुना है। ऐसा कोई बंदा नहीं जो अमृतसर आता है और उसका स्नैप नहीं होता या इंस्टा स्टोरी नहीं होती ओला वालों से झगड़ झगड़ के आते हैं लोग इधर। कुलचा खा के बियर लेनी है क्या? जो मूड बन गया ऐसा कुलचा। अगर आप अमृतसर आए हो गोल्डन टेम्पल तो ठीक है, जाओगे ही जाओगे, बट क्रेजी कुलचा, क्रेजी मैन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हैपनिंग हैपनिंग हैपनिंग। अमृतसरी कुलचा बेस्ट, कुलचा लैंड का कुलचा बेस्ट, और तीसरा कौन सा था? पनीर कुलचा सबसे बेस्ट, ऑल तीनों बढ़िया, मसाला द बेस्ट। भाई कितने लोग हैं ऑटो में? 8 तेजस्वी लोग हैं।
यारी सफ़र और यादें, इनकी एक खास बात ये है ना कि हो सकता है वापस ये माहौल कभी ना बने, हो सकता है हम सब इकट्ठे वापस कभी एक दूसरे से ना मिले, हो सकता है वापस मैं कभी यहाँ ही ना आऊँ, लेकिन ये जो यादें हैं ना ये मेरे साथ हमेशा रहेंगी। Yes, indeed.